अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मुझे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं कि मैं क्या क्या ले रही हूं। तो मैं बिन हाशिम आ गई और थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ही आ गई क्योंकि रश कम होता है, वरना नॉर्मली यहाँ रश बहुत होता है तो आपको बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पर ग्रॉसरी करना। दालें, आटा, चीनी सारी चीज़ें घर में मौजूद थी, बट ये थोड़ी बहुत शैम्पू, कंडीशनर और दूध पत्ती इस टाइप की चीज़ें ज़रा ख़त्म होने से पहले ही मैं ले लेती हूँ। तो मैंने कहा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी तो सम टाइम आपको टाइम भी नहीं मिल रहा होता, तो फिर मैंने कहा कि चलें मैं ले लेती हूँ। तो जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी, कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि मुझे यहाँ पर आकर ही याद आई, तो वो मैं लेती रही। हैंड वॉश वगैरह जो कि मुझे घर से जब निकली थी तो याद नहीं था, यहाँ देखा तो फिर मुझे याद आ गया। तो काफ़ी टाइम से मेरा कंडीशनर जो है जंबो साइज़ का मिल ही नहीं रहा है, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये मेरे पास ख़त्म ना हो और उससे पहले मैं ले जाऊँ, लेकिन आज मजबूरी है, जब मिल ही नहीं रहा तो फिर मैंने इसकी एक के साथ दो तीन बॉटल ले लीं ताकि बार बार मुझे फिर मसला ना हो। क्योंकि जब आपके आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाए, वो आपको सूट कर जाए, तो फिर आपको कुछ चेंज करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। इतनी देर मैंने देखा कि मैं कौन से लेती हूँ और मुझे कौन सा इस वक्त लेना चाहिए, बट इतना शॉर्ट था माल के मिला ही नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैंने ले लिया। मैंने कहा ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम ये भी ना मिले। थोड़ा सा सामान लेना था बस, जल्दी से अपना मैंने काम किया और एक घंटा भी मुझे यहाँ पर नहीं लगा, और मैंने जल्दी जल्दी बस ये बिस्किट्स वगैरह सब, चिप्स बिस्किट्स और ये शैम्पू कंडीशनर इस टाइप की चीज़ें मुझे लेनी थी। नॉर्मली जो आपका टाइम लगता है, वो जो राशन वाला जो ख़ास एकदम सामान होता है, टिपिकल वाला आटा दाल चीनी, उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, बट ऐसा कोई आज मुझे सामान लेना नहीं था तो वो मैंने जल्दी जल्दी से ले लिया सामान। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो बेल आइकन लाजमी दबाएँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि आपको मेरी आने वाली वीडियो का लिंक तभी मिलेगा सही से, कि वरना फिर ये होता है कि अगर आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन नहीं दबाएं तो आपको हमारी वीडियो का लिंक नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार ये बात कह रही होती हूँ अगर पसंद आए तो। तो बहरहाल फिर ये था कि मुझे कुछ एक दो क्रॉकरी का सामान भी यहाँ से लेना था, तो बिन हाशिम की क्रॉकरी अच्छी बहुत होती है, और जो चीज़ें नई भी लेनी होती हैं तो आपको ना इस तरह से अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि आप उसे दिखते ज़रूर हो। वैसे मेरी इलेक्ट्रिक कैटल ख़राब हो गई थी तो मुझे बहुत मसला हो रहा है, क्योंकि आजकल चाय, आपको पता है कराची वालों को तो चाय के बगैर गुजारा ही नहीं है, और गैस एज़ यूजल यहाँ पर आ नहीं रही है। तो खैर मैंने देखी बट मुझे यहाँ पर कैटल समझ में नहीं आई, तो मैंने कैटल तो नहीं ली यहाँ से, और काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव भी लगी। तो मैंने ये छोटी सी एक कढ़ाई, फ्राई पैन टाइप और चाय की छन्नी वगैरह ये सब ले ली थी मैंने, और अब मेरा सब काम हो गया था। तो फिर अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।